और यहाँ पे हाई फ्लाइंग मूव के लिए गया है जॉन सीना। अगर लगाता है तो रोमन इन द शील्ड शायद एलिमिनेशन हो सकता है या एलिमिनेट होगा। नहीं, रिवर्स करते हुए रोमन इन द शील्ड उल्टा रिवर्स करके उसी को लगा दिया जॉन सीना को ऊपर लगते हुए उल्टा। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर शील्ड सेट को लगाते हुए फाइव पर सेट भी रिवर्स कर दिया। भाई रोमन इन द शील्ड का टीम तो लग रहा बहुत गलत ही सीन करने वाला है। वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले ऑफ WWE 2K23। आज का मैच टीम खतरों को चैलेंज करते हुए टीम शील्ड ने चैलेंज दिया है कि टीम खतरों को हराने का। तो सो लेट्स सी हु विल विन दिस मैच। मैच को देखते हैं कौन इस मैच को विन करेगा। खतरों टीम तो फुल ऑन रेडी है। तो जब तक का मैच स्टार्ट हो रहा है फटाफट से आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना ताकि आप लोग न्यू वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाओ। और टीम खतरों से आए हैं जॉन सीना और रोमन इन द शील्ड खुद ही रोमन रिंग्स आते हुए। और यहाँ पे आते ही स्लैश दोनों ही टीम बहुत ही खतरनाक है। तो मैचेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने मिलने वाला है। काफी ज्यादा एकदम इंटरटेनिंग मैचेस होने और यहाँ पे इंटरटेनिंग का बात ही कर रहे थे। और यहाँ पे AA से शुरुआत जॉन सीना आते ही AA से शुरुआत कर दिया रोमन इन द शील्ड को आते ही लगाने के लिए। पर यहाँ पे सेट को भी लगा दिया है। ओ भाई ये क्या देख लिए जॉन सीना आते ही दोनों ही शील्ड मेंबर को लगा दिया है AA। भाई ये तो फुल ऑन गलत ही न्यूज मिल गया अपने को। आते ही जॉन सीना जो क्या ही धमाल मचाया आते ही दोनों ही सुपरस्टार को डायरेक्ट AA लगा दिया। आगे का बढ़ने का चांसेस ही नहीं दिया। इसी से पता चलता है कि टीम खतरों को कोई भी जल्दी इसी की वजह से हरा नहीं पाता है। पर टीम शील्ड चैलेंज किया है तो देखना होगा टीम शील्ड का चैलेंजेस भी अच्छा होता है। टीम शील्ड पहला गोल्डन एरा का अच्छा गेम प्ले देता था। तो अभी देखते हैं टीम शील्ड क्या टीम खतरों जो अपडेटेड है इसको हरा पाता है कि नहीं। और यहाँ पे सबमिशन मूव पर ट्राई पर पीछे से ब्रॉक लेसनर इसको इजीली बचाएगा। शील्ड को यहाँ पे स्पीयर इनकमिंग या फिर सुपरमैन पंच के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पे हाई फ्लाइंग मूव के लिए लेट्स गो शील्ड हाई फ्लाइंग मूव लगा दे जॉन सीना बढ़िया से सीन हो सकता है उसके साथ। और यहाँ पे काफी खतरनाक वाला क्लोज लाइन सीधा फेस पे लगा स्पिन आउट का ट्राई होगा क्योंकि टीम खतरों का कोई भी एलिमिनेशन करने के लिए है नहीं। पर ब्रॉक लेसनर आ गया ब्रॉक लेसनर को रेडी रहना चाहिए। रोमनिंग ब्लड लाइन का रोमनिंग्स कहाँ चल गया है। ओ भाई साहब रोमनिंग्स इधर बढ़ा रहा है इधर तो दिख ही नहीं रहा है रोमन। रोमन को यहाँ पे फाइट के बीच में रहे वो देखो रोमन वहां से निकल रहा है क्या कर रहा था वहां पे रिंग के साइड में। भाई ये रोमन अभी आ रहा है रिंग में अभी कोई फायदा ही नहीं है रोमन तुम्हारा। और यहाँ पे हाई फ्लाइंग मूव शील्ड को लगते हुए शील्ड तो इजीली रिवर्स करेगा। ये तो आसान सी बात है कि शील्ड आराम से रिवर्स कर देगा क्योंकि हाई फ्लाइंग मूव्स का मोमेंटम ही समझ आ रहा था। अगर जॉन सीना को लगाना रहता तो जॉन सीना थोड़ा सा क्लोज लिया ही नहीं। और यहाँ पे रोमन रिंग्स को मिल चुका है टैग और यहाँ पे टैग भी मिलते हुए ब्लड लाइन रोमन रिंग्स यहाँ पे सीधा एलिमिनेशन कर दिया। वो भी सबसे तगड़ा सुपरस्टार ऑफ टीम शील्ड डीन एम्ब्रोस हो चुका है यहाँ पे एलिमिनेट। भाई रोमन रिंग्स को तो पहले ही दे देना चाहिए था टैग। इन लोग देरी किया टीम खतरों का टीम जॉन सीना जो था ना थोड़ा सा लेट किया देने में। अगर जल्दी दे देता ना तो बहुत जल्दी ये हरा देता। पर यहाँ क्या देखने मिल रहा है दोनों रोमन का फाइट होते हुए शील्ड रोमन और ब्लड लाइन रोमन एक साथ फाइट लेते हुए। वो भाई साहब ये बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पे दोनों ही रोमन का सीन का फाइट। और यहाँ पे काफी खतरनाक वाला सबमिशन मूव लगाते हुए यहाँ पे सेथ रॉलिंस दी ब्रॉक लेसनर द बीस्ट को। पर ब्रॉक इजिली रिवर्स करेगा आराम से और ब्रॉक लेसनर शायद F5 के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है F5 लग जाएगा। ब्रॉक लेसनर लेट्स गो फॉर F5 फिनिशर मूव भी तुम्हारे पास है ये लगा दे फिनिशर। शील्ड का सिर्फ दो ही मेंबर पर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की जगह ये शील्ड सेट क्या करना चाह रहा है। ओ भाई ये F5 कब से लगाने लग गया या फिर मेरे को कुछ अलग ही दिख रहा है। भाई ये अपना फिनिशर छोड़ के F5 लगा रहा है ब्रॉक लेसनर का पावर ले लिया क्या ये तो कुछ गलती देखने मिल गया। शील्ड ब्रॉक लेसनर का F5 लगा रहा है यहाँ पे F5 जिसको लगाना था आखिरकार वो लगा ही दिया। ये रिवर्स मत करना गलत सीन हो सकता है। बढ़िया यहाँ पे F5 इनकमिंग लगते हुए पीस्ट ब्रॉक लेसनर की तरफ से। भाई 3v2 सिचुएशन आ चुका है टीम शील्ड क्या ही कर रहे हो तुम लोग। अभी भी अगर एक एलिमिनेशन टीम खतरों का नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि तुम लोग जीत पाओगे। हो सकता है कि शील्ड थोड़ा गुस्सा होकर लेके चल जाए फिनिशर मूव पर फिनिशर मूव लगाने की बात हुई और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फिनिशर मूव ये फिनिशर का जगह ये कौन सा फिनिशर लगा लिया था इससे पहले F5 कहाँ से आ गया तुम्हारे पास।
F5 Brock Lesnar का फिनिशर चेंजेस कर लिया और यहाँ पे वापस से F5 का ट्राई, अब तो गया शूट, अब तो एंड है, बस रिवर्स मत करना। और यहाँ पे बहुत ही सही समय पे, जिस समय पे बात किया और उसी समय पे रिवर्स करके ड्रॉप की सीधा फेस पे ब्रॉक लेसनर को। अगर अब फिनिशर लगा ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट, फिनिशर मत मारना, फिनिशर मार दिया यहाँ पे टीम खतरों का, बहुत गलत सिचुएशन भाई, फिनिशर एलिमिनेशन हुआ। पर जॉन सीना इसका बदला निकालेगा और शील्ड सेट को भी एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया जॉन सीना, यही चीज तो देखना था जॉन सीना ने, अच्छा यही होता है टीम खतरों का टीम अप, इसीलिए कोई टीम खतरों को हरा नहीं पाता। तो आप लोग के पास कोई चैलेंज होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा टीम खतरों के लिए, मेरे को नहीं लगता किसी का टीम है अभी रेडी कि जो टीम खतरों को हरा दे। और यहाँ पे जॉन सीना को भी एलिमिनेट कर दिया भाई, टीम खतरों टीम शील्ड दोनों ही तगड़ा टीम है, यहाँ पे टीम शील्ड का 1v1 सिचुएशन पे आ चुका है गेम, वो भी दोनों रोमन का क्लैश देखने मिलेगा, रोमन शील्ड वर्सेज रोमन ब्लड लाइन, पहले का रोमन वर्सेस आज का रोमन, वो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। दोनों ही अपना टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीम शील्ड का रोमन टीम शील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लड लाइन का रोमन टीम खतरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों ही तगड़ा सुपरस्टार अभी फाइट चलते हुए। बस शील्ड के पास फिनिशर मूव नहीं, सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर क्रॉस रोड्स लगते हुए सिग्नेचर मूव के पास, पर रोमन इस ट्रैवल शेफ के पास यहाँ पर फिनिशर मूव है वो भी दो और सिग्नेचर मूव भी आने वाला है। शील्ड के पास अभी आ चुका है फिनिशर मूव क्योंकि वो सिग्नेचर लगाया था ना, उसी में फिनिशर मूव आ गया है, तो रोमन रिंग्स यहाँ पे फिनिशर मूव लगाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो, फिनिशर मूव लगा दे यहाँ पे, सबमिशन मूव का फिनिशर मूव लग गया है शील्ड का भाई, रोमन मत हारना, टीम खतरों का बेइज्जती हो जाएगा अगर तू हारा तो, बेइज्जती हो जाएगा, सबमिशन मत देना, बच गया भाई रोमन रिंग्स, ऐसा मत करना, ऐसा गलत सीन हो जाता तो फुल ऑन गलत था। और रोमन रिंग्स यहाँ पे शील्ड रोमन को अच्छा खतरनाक वाला फ्रंट सुप्लेक्स लगाते हुए, लेट्स गो सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच से एंड करना रोमन, ऐसे मत करना, सुपरमैन पंच या फिर स्पेयर, सुपरमैन पंच और स्पेयर, और यहाँ पे स्पेयर भाई। शील्ड रोमन भी कुछ ट्राई करना चाह रहा था पर नहीं हो पाया क्योंकि शील्ड में की वजह से कोई जीत पाएगा टीम खतरों से। रोमन ने सीधा सही समय पे एकदम मोमेंटम पे लगाया स्पेयर, वो रनिंग स्पेयर जैसे लगाना चाह रहा था उसी में रनिंग स्पेयर लगा दिया, बहुत ही बढ़िया टीम खतरों। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना क्योंकि डेली अपडेटेड वीडियोस इस तक कर पाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।